हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल वासिम्पल में। वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए बहुत अच्छी खबर है, हम सभी के लिए अच्छी खबर है। आपको बता दें कि अब हमारी जो फैमिली है, यूट्यूब की फैमिली, वो 2 लाख कंप्लीट करने वाली है बहुत ही जल्द आपका सपोर्ट और प्यार से। साथ ही आपको ये भी बता दें कि जो हमारा चैनल है वासिम्पल, इसमें वेरीफिकेशन बैच मिल चुका है। वेरीफिकेशन बैच के बहुत सारे फ़ायदे हैं। बहुत पहले हमने इसके लिए अप्लाई कर दिया था, लेकिन COVID-19 की वजह से ये बैच मुझे नहीं मिल पा रहा था, और अब जो है रिसेंटली मुझे कल मिल चुका है। इसके बहुत सारे फायदे हैं, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया। इससे क्या होगा, जब भी आप YouTube पर सर्च करोगे हमारा चैनल, तो वहां पर आपको सबसे पहले मेरा चैनल दिखाई देगा। साथ में मेरे चैनल के नाम के बगल में एक वेरिफिकेशन बैच मार्क आपको देखने को मिलेगा, जो कि टिक मार्क जैसा होगा, सही का निशान जैसा होगा। और इससे बेनिफिट ये आपको मिलेगा, जैसे बहुत सारे फेक चैनल हमारे नाम से अगर आप बनते हैं यूट्यूब पर, तो आप वहां पर वेरीफाई कर सकोगे कि ये ओरिजिनल है और ये जो है चैनल डुप्लीकेट है। तो हमारे चैनल के ठीक बगल में एक बैच मिल चुका है। तो थैंक यू यूट्यूब, और थैंक्स आप लोगों सभी का भी जो आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, प्यार किया। तो बस जल्दी से अब 1 मिलियन कर दीजिए आप लोग। चलिए बढ़ते हैं बड़ी खबर की तरफ, जो बिहार की तरफ से निकल कर आ रहा है। यहां पर आपको बताते, देखिए राशन कार्ड के रिगार्डिंग यहां पर दो हम अपडेट बताएंगे इस वीडियो में। सबसे पहला, बिहार में जो राशन कार्ड है वो 51% नए राशन कार्ड बांट दिए गए हैं। यहां पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की तरफ से बार बार ये लेटेस्ट अपडेट आ रहा है। बताया जा रहा है कि जो 91% लोग हैं, इनको जो है राशन कार्ड बांट दिया गया है। आपको बता दें, राज्य में राशन कार्ड वितरण का कार्य तेजी से किया जा रहा है। अब तक 21,23,000 नए राशन कार्ड वितरित कर दिए गए हैं। कुल 23,39,000 नए राशन कार्ड बनाए गए थे, जिसका 91% परिवारों को उपलब्ध करा दिए गए हैं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के अनुपम कुमार ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस संबंध में कहा कि शेष 9% नए राशन कार्ड का वितरण भी शीघ्र ही परिवारों के बीच करा दिया जाएगा। तो यदि आपका भी अभी नहीं मिला है, तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, आपको भी मिल जाएगा। इससे अब सभी योग्य परिवारों को संबंधित सरकारी योजनाओं का निरंतर जो लाभ है वो मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि रोजगार सृजन की कार्रवाई निरंतर चलाई जा रही है, संबंधित विभाग इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है, ताकि अधिक से अधिक श्रमिकों को रोजगार भी मिल सके। जो बाहर से श्रमिक है, जो बाहर काम करते थे, वो अपने बिहार लौट चुके हैं, तो इन लोगों को रोजगार को लेकर भी जो है यहां पर चलाया जा रहा है, और बहुत जल्द ही श्रमिकों को रोजगार भी उपलब्ध कराया जा सकेगा। इस पर भी लगातार काम किया जा रहा है। लॉकडाउन से लेकर अब तक 5,55,000 योजनाओं के तहत 11,92,00,000 मानव दिवस का सृजन किया गया है। यह प्रक्रिया आगे भी चल रहा है। तो यह थे पहला अपडेट। अगर आपका राशन कार्ड नहीं मिला है, तो आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है, मिल जाएगा। या फिर आपने आवेदन नहीं किया है, तो आपको आवेदन कैसे करना है, उसकी रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो बना दिया है। आप जाकर डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं या विजिट कर सकते हैं हमारे चैनल वासिम्पल को। दूसरा अपडेट हम आपको बताते हैं, यहाँ पॉस मशीन से वितरण पर कोरोना का खतरा। आपको पता है कि जो अभी राशन कार्ड है, वो राशन आप जब लेने जाते हो, तो वहाँ पर जो है आपको पोस्ट मशीन में आपका फिंगर लगाया जाता है, उसके बाद जो है आपको राशन दिया जाता है। ये पोस्ट मशीन का जो सिस्टम है, इसको लेकर जो वहाँ के डीलर हैं, जो भी आपके अगल बगल के डीलर हैं, या यूँ कह लें कि जितने सारे डीलर हैं, उनको प्रॉब्लम है और नहीं चाहते कि वो पोस्ट मशीन से जो है सामान दें। ठीक है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है उन लोगों को, आइए आपको बताते हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण और डीलरों को पॉश मशीनों से अनाज वितरण करने में सरकार के नियम के विरुद्ध बिहटा में एक बैठक की गई, जिसमें प्रखंड के अधिकांश पंचायत के डीलरों ने हिस्सा लिया। इस बैठक का अहम मुद्दा पॉश मशीन से अनाज वितरण को लेकर था। बताया जाता है कि सरकार ने डीलरों को पॉश मशीन के माध्यम से गरीब लाभार्थी को अनाज देने का नियम बना रखा है। इससे सख्ती से अनुपालन करने का निर्देश भी दे रखा है। आपको बता दें, लगातार बढ़ रहे कोरोना के संक्रमण से भयभीत होकर, डर से डीलरों ने फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के बैनर तले सरकार को पूर्व में एक ज्ञापन सौंपा था, जिसमें अपनी अन्य मांगों के साथ पॉस मशीन से वितरण बंद कराने को लेकर इन्होंने मांग भी किया था। आपको बता दें, बैठक में डीलरों का कहना था कि अगर जल्द नियम नहीं बदले गए, तो वो उठाव नहीं करेंगे, आंदोलन भी है और धमकी भी है। तो ये जो है, ये थोड़ा सा सिस्टम सही नहीं है। देखिए, पॉस मशीन से जो है बहुत सारे फायदे भी हैं, अगर नुकसान है तो, क्योंकि चूंकि अभी जो है फिलहाल में कोरोना वायरस चल रहा है, COVID-19 चल रहा है, तो इसको लेकर नुकसान है, लेकिन कोई बात नहीं, आप अगर एहतियातन अगर वहाँ पर राशन बांटे तो कोई नुकसान नहीं है। सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, जब जब भी लोग वहाँ पर पॉस मशीन में अपना फिंगरप्रिंट रखें, तो ऐसे में आप उसको हर बार सैनिटाइज करें। और लेकिन ये डीलर को प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, डीलर लोग इसके विरुद्ध में क्यों हैं कि वो पॉस मशीन से नहीं करके। देखिए, पॉस मशीन से हुआ क्या है कि बहुत सारे जो लोग हैं ना, वो इसमें फर्जी थे, जैसे कुछ डीलर से मिला जुला करके अपना राशन कार्ड बनवा लिए थे, या कुछ अपने ब्लॉक से, प्रखंड स्तर से मिलजुल कर राशन कार्ड बनवा लिए थे, जो राशन कार्ड के लिए अर्हता नहीं रखते। यानी वो परिवार ठीक ठाक है, अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं, लेकिन वैसे लोग भी जो है यहाँ पर राशन कार्ड बना लिए थे, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, और वो राशन कार्ड के लिए अर्हता रखते हैं, उनको मजबूरी है, उनके पास खाने को नहीं है, वो गरीब परिवार से, लेकिन उनके पास राशन कार्ड नहीं था, और कोई ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनके पास दो दो राशन कार्ड था। तो ये पोस्ट मशीन आने से बहुत सारा बेनिफिट हुआ है, जैसे ऐसे लोगों को लगभग, मैं बता दूं आपको, कि 8 लाख से भी ज्यादा राशन कार्ड जो है रद्द कर दिए गए, ये पोस्ट मशीन का ही कारण। साथ ही इससे ये भी बेनिफिट होता है, जो कि सरकार को भी पता चल पाता है कि आप तक जो है अनाज पहुंचा, कितना नहीं पहुंचा, और आप भी पता कर सकते हो कि
ऑनलाइन चेक करके कि आपका जो है अनाज कितना मिला और कितना आया, कितना आपने उठाया, तो ये सारा कुछ जानकारी जो ऑनलाइन सिस्टम से चलता है ना, तो ये बहुत बढ़िया सिस्टम है। और इसको लेकर डीलर जो यहाँ पर थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसलिए हो रहा है ताकि जो वो 3-5 यहाँ पर कर पाते थे वो इसमें नहीं कर पाते हैं ज़्यादातर, ठीक है, इसलिए इनको प्रॉब्लम हो रहा है। तो या सैनिटाइज करें, सैनिटाइज का जो है उपयोग करें, हर बार सैनिटाइज करें, या अपना सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके जो है उठाव करें और वितरण करें, इसमें कोई वाली दिक्कत वाली बात नहीं। वैसे आपकी क्या राय है, आपकी क्या विचार है, नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल बने होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। हम ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आते रहते हैं हर रोज रोजाना, तो कंटेंट हम इससे भी बेहतर और बढ़िया आपके लिए लाएंगे हर रोज, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, हाथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज में नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत धन्यवाद।